Today, in the class of the project management, we have completed the syllabus. Hence, today we will review the question paper of the different university which come in the case of the project management. इसको पहले रिव्यू करेंगे, फिर जो टॉपिक्स है उसको रिवाइज करेंगे. तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है. तो इसमें क्वेश्चन आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं. अटेम्प्ट एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट, डिस्क्राइब द वेरियस फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट साइकिल, हाउ प्रोजेक्ट कंट्रोल इज एक्सरसाइज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कर्व एंड क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर टाइम कर्व, राइट इन ब्रीफ द इंपोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आया है. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताना है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कर्व बताना है, क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर ऑफ द कर्व बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज बताना है, प्रोजेक्ट कंट्रोल के बारे में बताना है, स्टेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में बताना है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, वेरियस फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना है. तो क्वेश्चन पेपर देखने से आइडिया लग जाता है कि क्या जो है आ सकता है. तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर पहले आप रिव्यू कर लीजिए. Explain the classify the major forms of the organization structure. Write merits and demerits of the pure matrix form of organization structure. Matrix forms of the organization structure. मैंने आपको बताया हुआ है कि matrix form कैसा होता है. तो organization structure में आपको pure matrix form का merit demerit आपको पूछ रहा है ना. Method of choosing the organization structure to suit the given project. किसी प्रोजेक्ट को ये भेजा हुआ है. आज बाद में फिर से दोबारा ये जो है आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना. ये भेजा हुआ है, पहले भी भेजा हुआ है, सारे मटेरियल के साथ गया हुआ, आपने ध्यान से देखा नहीं होगा. फिर से दोबारा मैं इसको आपको भेज दूंगा. तो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ चूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर ए गिवन प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का होगा इसके बारे में आपको बता रहा है. व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्टिंग, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अवार्डिंग ए कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में यहां पर डील किया गया है. अवार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में डील किया गया. हाउ विल यू एनालाइज द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट इन द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट. इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट क्या क्या होगा, डिस्कस इन द ब्रीफ. इनलिस्ट द परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज्ड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या क्या होगा, ब्रीफली एक्सप्लेन द अप्रोचेज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस, हाउ मॉडर्न अप्रोचेज डिफर फ्रॉम द ओल्ड वन, इसके बारे में डिस्कस करना है. प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस,
प्रोजेक्ट रिस्क के एनालिसिस के बारे में आपको बताया हुआ था। बेनिफिट एनालिसिस के करना है, बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, तो ये आपको फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको बेनिफिट एनालिसिस आपको किया हुआ है। अटेम्प्ट एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग टाइम एस्टिमेट्स इन द पार्ट, पार्ट में तीन टाइम ऑफ द एस्टिमेट्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। टाइम एस्टिमेट्स इन द सीपीएम, सीपीएम में डिटर्मिनिस्टिक टाइम एस्टिमेट्स है उसके बारे में आपको बताना है। स्लैक के बारे में बताना है, फ्लॉट के बारे में बताना है, ये आपको पार्ट सीपीएम का आपको ये क्रिटिकल पाथ निकालने का ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। द नॉर्मल ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क ऑन बिलो आर गिवन इन द टेबल, एक्टिविटी का एस्टिमेटेड ड्यूरेशन दिया हुआ है, एक्टिविटी का एस्टिमेटेड ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो इसमें आपको इवेंट टाइम्स निकालना है, एक्टिविटी टाइम्स निकालना है, टोटल फ्लॉथ निकालना है, ऑल्सो डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ ये निकालना है। इवेंट टाइम्स आपको निकालना है, एक्टिविटी टाइम्स निकालना है, टोटल फ्लॉट निकालना है, ऑल्सो डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ ये आपको निकालना है। राइट शॉर्ट्स लॉन्स एंड द लाइन ऑफ बैलेंसिंग टेक्निक, क्रैशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ये आपको करना है। क्रैशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है ना, कैसे प्रोजेक्ट को क्रैश करते हैं, टाइम ड्यूरेशन को कैसे घटाते हैं वो उसमें करना है। अटेम्प्ट एनी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, आउटेज लॉसेस ये आपको निकालना है। डायरेक्ट कॉस्ट ड्यूरेशन का रिलेशनशिप देना है, टोटल कॉस्ट ड्यूरेशन रिलेशनशिप ऑफ द देना है, और एक्टिविटी दिया हुआ है नॉर्मल ड्यूरेशन दिया हुआ है, नॉर्मल कॉस्ट दिया हुआ है, क्रैश ड्यूरेशन दिया हुआ है, क्रैश कॉस्ट दिया हुआ है ना। दूसरा इंटरप्राइज वाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये आपको डिस्कस करना है। फ्यूचर रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करना है। What are the essential requirement of the project management software? इसके बारे में डील करना है। Name few software packages for computerized project management system. कुछ packages का नाम बताना है। Software package management का, project management software का, उसका आपको नाम बताना है। दूसरा question paper देखिए। Explain the meaning and concept of the project with example. Describe characteristics of the project. Describe various stages in the total life cycle of a project. Explain with the suitable diagram. How projects classified? कैसे project को classified करते हैं? What are steps required in the project identification? Project identification में क्या-क्या different steps हैं? ये आपको briefly explain करना है। दूसरे question में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस के बारे में लिखना है, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है, व्हाट इज एडवांटेज ओवर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में डिटेल करना है। एक्सप्लेन डिटेल द मेथड ऑफ चूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू सूट ए गिवन प्रोजेक्ट। व्हाट प्रिंसिपल्स शुड बी बॉर्न इन माइंड व्हाइल डिफाइनिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल इसके बारे में करना है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट इन एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इसके बारे में करना है। डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इवोल्यूशन इसके बारे में करना है। बार चार्ट को डिफाइन करना है, बार चार्ट क्या है, व्हाट वेयर द प्रॉब्लम्स इन द बार चार्ट, व्हाट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क टेक्निक ये आपको बार चार्ट के बारे में डील करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सीपीएम एंड पार्ट, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल डिफरेंस सीपीएम एंड पार्ट, सीपीएम पार्ट के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। पार्ट नेटवर्क के बारे में आपको दिया हुआ है, सिक्स टास्क दिया हुआ है, टास्क ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, प्रोसीजर एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड टाइम टास्क टाइम डे दिया हुआ है, वेरिएंस इन डेज आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा ये आपको निकालना है, है ना। ए स्मॉल प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ जॉब इन टेबल गिवन बिलो विथ हिज जॉब इज लिस्टेड इट्स नॉर्मल एंड मिनिमम टाइम द कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग इज आल्सो गिवन। ये नॉर्मल टाइम है, जॉब है, क्रैश ड्यूरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग दिया हुआ है। कैलकुलेट द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन,
minimum crushing cost schedule, optimum duration of the project schedule, if overhead cost is raised 60 per day. तो ये पट सीपीएम का प्रॉब्लम है, क्रेसिंग का प्रॉब्लम है, कॉस्ट ऑफ द क्रेसिंग का प्रॉब्लम है. नॉर्मल ड्यूरेशन दिया हुआ है, क्रेस ड्यूरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ क्रेसिंग आपको दिया हुआ है. व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेज, क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पैकेज के लिए? हेलो, आप बोलिए सर. 112 प्रेजेंट, अटेंडेंस लगा दो. हाँ, अटेंडेंस में पहले सबका आपको क्लियर कर देता हूँ, सबका क्लियर कर देता हूँ अटेंडेंस. हाँ जी सर, 112. हाँ, एक मिनट एक मिनट. ठीक, सर जल्दी करो, टाइम नहीं है. नहीं, रुक जाइए, अभी जोगेश जी 150 ज्वाइन कर रहे हैं, शुभम सिंह 143 ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करा रहा हूँ पहले. सर मेरी ले लो अटेंडेंस ना, कहीं मेरे को अर्जेंट जाना है अभी. फ्रांसु 112. हाँ जी सर. हाँ जी, फ्रांसु चौधरी. हाँ, गुरदीप 114, विशाल 148, अतुल दीक्षित 106, चमन नेमा जी 162, हिमांशु जी 117, कुंदन कुमार जी 163, पवन कुमार जी 120, शुभम सिंह 143, योगेश जी 150 और शुभम जी 142 वो ज्वाइन कर रहे हैं. तो ये आपके 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, योगेश जी 150, शुभम सिंह जी 143, शुभम जी 142, पवन जी 127, कुंदन जी 163, हिमांशु जी 117, चमन नेमा जी 162, अतुल दीक्षित जी 106. हाँ बोलिए. 143 हो तो गया. विशाल जी 148, शुभम सिंह 143, गुरदीप रावत 114, है ना? इस आपके अटेंडेंस हो गए हैं. जिसका अटेंडेंस कम है, अमित गुप्ता जी से कांटेक्ट कर लीजिए. फैजान हाशमी जी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करा देते हैं. तो ये आपको एंटरप्राइज वाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये आपको क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं. अगला क्वेश्चंस आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये है. व्हाट इज ए प्रोजेक्ट? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? इंडिकेट द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इफोर्ट इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट डायरेक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन. व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिंग? What is the project management information system? What is the role of a cost accounting system or a transaction processing system? What is the role of computers in the project management system? What are the things to be considered before using a software package for the project management? A new flyover is being constructed. What are the different aspects of the managing this project? Ek flyover banana hai, to uska jo project banane ka different aspects kya hai? Ye aapko activity, आपको पट सीपीएम का प्रॉब्लम दिया हुआ है. फॉलोइंग द एक्टिविटी लिस्ट ऑफ ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एम एन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक्सकेवेट दिया हुआ है, फाउंडेशन दिया हुआ है, रफ वॉल दिया हुआ है, रूफ दिया हुआ है, एक्सटेंशन प्लम्बिंग दिया हुआ है, इंस्टीट्यूशनल प्लम्बिंग दिया हुआ है, ये सारा आपको एक्सटर्नल पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल वॉल बोर्ड, फ्लोरिंग, इंटरनल पेंटिंग, एक्सटर्नल फिक्चर, इंटरनल फिक्चर्स, इमीडिएट प्रोसीजर्स ये आपको दिया हुआ है. एस्टिमेटेड ड्यूरेशन वीक्स ये आपको दिया हुआ है. कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क, फाइंड द क्रिटिकल पार्ट, कंप्यूट द स्लैक फॉर ईच एक्टिविटी, इंडिकेट्स द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम इन द डायग्राम. डिफाइन क्रेसिंग ऑफ एन एक्टिविटी, क्रेसिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट, डिफाइन द मोस्ट लाइकली एस्टिमेट, optimistic and pessimistic state with respect to the part. What is the probability?
distribution, that part assume activity duration to follow. How do we calculate the mean and variance of each activity? How is the mean variance of distribution for the entire project calculated? How do we calculate the probability of meeting a given deadline? T in the part. Attempt in two parts of the following. What is the total quality management? What is the preventive maintenance? What is the production system where shortage cost is very much higher than the inventory carrying cost? Which TQM or MRP should be used and why? What are the B2B and B2C activity? How ERP is different from the MRP? And agla question aapko ye diya hua. Describe characteristics, feature of a project. What do you understand by the term life cycle? Illustrate different phases of the project life cycle. Enumerate the authority of a project manager. Define tender and contracting. Explain different phases of the project planning. Explain cost of the project and its break-even point. Write source notes in any two of the following. Project direction, coordination, and control. Computerized project management system, NPB, IPR, appraisal criteria, reasons for project delay and its effect on the total project cost. Feature of the project management, what is the basic difference between PERT and CPM? Discuss the different investment with the total float, free float and independent float. Manoj sir, attendance laga do. Haan, Yogesh ji, 167 lag gaya hai, 167 ka lag gaya. Manoj sir, ye wali. इसके क्वेश्चन पेपर ये पीडीएफ भेज दिया आपने? पहले भेजा हुआ है, आज दोबारा फिर आज भेज देते हैं। अरे सर आप सब भेज दो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज दोबारा इसको ये जो है तो ये भेज देते हैं। तो पहले भेजा हुआ है मैं, क्योंकि हमारे सारे साथ में हैं तो एक साथ चला जाता है सारा। मैं हमने सारे एक फोल्डर में सारे आपको जितने भी लेक्चर नोट्स हैं वो कर रखे हैं तो वो सारे एक साथ चले जाते हैं। तो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द सीपीएम एनालिसिस। इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूलिंग इन व्यू ऑफ द रिसोर्स कांस्टेंट विद सूटेबल। मैडम प्रोस वाला भी भेज दिया सर, वो मिल नहीं रहा था मुझे। कौन सा? वो MADM अप्रोच नहीं है सर, वो वाला ही भेज रहा हूं। वो भी मैं आज भेज देता हूं। MADM अप्रोच का भी जो है वो भी जो है आज जो है ये दोनों क्वेश्चन पेपर वो दोनों मैं भेज देता हूं। इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूलिंग इन व्यू ऑफ द रिसोर्स कांस्टेंट विद सूटेबल एग्जांपल। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द नेटवर्क। एक्सप्लेन थ्री टाइम एस्टीमेट्स। तीन टाइम एस्टीमेट्स होते हैं पार्ट में, वो एस्टीमेट करने के लिए कह रहा है। एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है? अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम एंड लेटेस्ट अलाउबल ऑकरेंस टाइम्स एज यूज इन द पार्ट एनालिसिस, ये आपको करने के लिए कह रहा है। Write source notes on the two of the following: e-commerce, total quality management, continuous improvement, material requirement planning, enterprise resource planning, project management performance. है ना? Next question है: What is the meaning of the establishing the goal of the project? What conditions are required to be fulfilled for the establishing of the project? And what are the prerequisites for its successful implementation? What is meant for the process breakdown structure? Describe a matrix organization and discuss suitability for the project. Matrix organization ka suitability of the project mein kya role hai? Write brief notes on any two of the following: tender, earnest money deposit, letter of intent, subsystem of the project, relation between procedure and organization, communication in project, project performance indicator. What is understood by the project direction, coordination and control? With the help of the figure, show the level and type of the managerial efforts pertaining to the these three during the project implementation phase. How do data differ from information? Briefly describe the project management information system. Discuss the advantage of using the computerized project management system. Name any two popular software package for the CPMS, giving the main feature of one of them. Name any major infrastructural project being currently executed in your neighborhood or about which you have learned from the media coverage.
What are the objectives of this project in your opinion? What are the stakeholders in such a project? But CPM का ये problem दिया हुआ है. Consider the following network for a small development project. All time are in weeks. Network proceeds from a node 1 to node 7 in the table 3.1. Activity दिया हुआ है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Node दिया हुआ है initial, final node दिया हुआ है. टाइम दिया हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ है. ये तीनों टाइम आपको एस्टिमेट दिए हुए हैं. ड्रॉ एन एरो डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द प्रोजेक्ट. व्हाट इज द टोटल स्लैक टाइम, द क्रिटिकल पार्ट एंड नंबर ऑफ वीक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विथ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अबाउट 84%. ऑन व्हाट पॉइंट्स डज सीपीएम डिफर फ्रॉम पार्ट. The following figure shows a CPM network with corresponding crash and normal times for all the activity along with the direct cost given in table 3.b. ये आपको network दिया हुआ है, activity आपको दिया हुआ है, time required normal दिया हुआ है, crash दिया हुआ है, cost normal दिया हुआ है, crash दिया हुआ है, cost slope दिया हुआ है ना. If the indirect cost is the raise 2000 per week, what will be the optimum duration of the project? ये आपको निकालने के लिए दिया हुआ है. Answer two of the following. What is the process capability study giving any three chances and three assignable causes for variation in output of any process? Also briefly discuss about the quality circles. What are MRP and ERP? What are the main components and limitation of the MRP? What are the advantages of the e-commerce? Briefly describe B2B and B2C and e-commerce activity. And ye aapko क्वेश्चन आपको खत्म हो गया. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज ए प्रोजेक्ट. डिस्क्राइब वेरियस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेज. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स राइट एंड डूइंग द राइट थिंग्स. व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ द इफेक्टिव प्रोजेक्ट कंट्रोल. डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट. What are the essential requirement of a project management software? Name few software package for computerized project management system. Name the stakeholders of the project and briefly discuss the information they may be interested in. Name the three coordination conditions that can be facilitate better communication. ये आपको PERT CPM का problem दिया हुआ है. Draw the network and determine the critical path and earliest expected time for the project. Find and explain all types of the float for each activity. सारे तरह के float आपको इस एक activity के लिए ये आपको निकालना है. Procedure event दिया हुआ है, successor event दिया हुआ है, TE आपको दिया हुआ है. From the data in table 3.3b given below, draw the network and find the normal cost and duration of the project. If the indirect cost is the raise 60 per day, how should we analyze the project? And what should be the optimum duration? Activity दिया हुआ है, normal time दिया हुआ है, normal cost दिया हुआ है, crash time दिया हुआ है, crash cost दिया हुआ है, है ना? Answer any two of the following. What is the information contained in the product structure, bill of material, master schedule, TQM? What is TQM? How is it different from SQC? Describe the term e-commerce and explain its utility and benefits in modern world. आपको ये क्वेश्चन खत्म हो गया है ना. फिर ट्यूटोरियल्स, इसमें कई ट्यूटोरियल्स क्वेश्चंस जो आपको चैप्टर वाइज वो इसमें दिया हुआ है, ये आपको बनाने के लिए मैंने नहीं दिया हुआ है. मैंने जो ट्यूटोरियल दिया हुआ हूं वो अलग दिया हुआ, जो आपके सिलेबस बेस्ड है. सिलेबस बेस्ड में ही पांच ट्यूटोरियल आपको, पांच असाइनमेंट आपको दिए हुए हैं. तो ये सैंपल ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो यहां पर आपको, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सैंपल ऑफ द क्वेश्चन है. ट्यूटोरियल 1, ट्यूटोरियल 2 ये क्वेश्चन है ना. तो ट्यूटोरियल 1 के क्वेश्चंस आप देखिए, सिलेबस तो आपका खत्म हो ही गया है, तो आप इसको पहले अच्छा मार्क्स लेके आए,
ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आए तो उस पर आप ध्यान दीजिए. एक्सप्लेन व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. इनलिस्ट द चैलेंजेस इन द एनी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट. एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस. कंपेयर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स. डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इनलिस्ट द प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द परफॉर्मेंस इंडिकेटर. स्टेट द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. डिस्कस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड द फंक्शन ब्रीफली. ये आपको ट्यूटोरियल वन के क्वेश्चन है. तो दीज आर द सैंपल ऑफ द क्वेश्चंस. तो ये आप देख सकते हैं. ट्यूटोरियल टू में व्हाट आर द प्रोजेक्ट क्लासिफाइड. एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. डिस्कस एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट एलिमेंट एंड इन प्रैक्टिस. एक्सप्लेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक. व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर. है ना, रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है. एक्सप्लेन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोजेक्ट सिलेक्शन. हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तो ये आपके ट्यूटोरियल टू के क्वेश्चन थे और ये ट्यूटोरियल थ्री के क्वेश्चन. फॉर द प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन. What is the impact of the social cost benefit analysis on project selection? Explain. Name the financial institution which helped the development of the project. What is planning? Explain briefly. What is the importance of system concept in the project planning? Enlist the type of system used in practice. How important is resource planning for the project management? Explain. Discuss the various techniques used in the project planning. What is delegation? What, when, and how to delegate? Explain. When motivation in project management? Explain. Tutorial number 4. Discuss work schedule in context of the project management. Write the step required for the project direction. How loan or balance help in the project management? Discuss briefly. Explain the significance of work breakdown structure for the project management. Discuss the type of organization structure in practice. Explain the duties of a project manager. What is the importance of system concept in the project planning? Discuss the work breakdown structure and organization breakdown structure. Explain what is a contracts management. Discuss the tendering procedure in the brief. Explain the role of responsibility, reimbursement, and risk in contract management. How does the safe contracting help in the project management? Briefly explain. Discuss the importance of the performance measurement used in the project management. Explain the approaches used for the performance analysis. Compare the do-it-yourself and turnkey approach. What are the problems in bar chart that lead to the evolution of the network? What is the need for the statistical methods for deriving single time estimates? What does the network analysis help in large complex project? What is the difference between sir? हाँ बोलिए sir. Attendance लगा दी मेरी. कितना roll number है? 123 की sir. 123 नितेश जी की लग गई. नितेश जी हाँ 123 की लग गई है. मैं फिर से आपको अटेंडेंस बता देता हूँ. अतुल दीक्षित जी 106, गुरदीप रावत जी 114, नितेश जी 123, सौरभ जी 145, विशाल जी 148, चमन नेमा जी 162, फैजान हाशमी जी 111, हिमांशु जी 1117,
कुंदन कुमार जी 163, निखिल जी 122, पवन जी 127 एंड योगेश जी 150। जिसका अटेंडेंस कम है वो अमित गुप्ता जी से फोन पे बात कर लीजिए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। ये 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, 12 पार्टिसिपेंट्स का मैंने नाम आपको बता दिया। ट्यूटोरियल 5, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी रिम्बर्समेंट एंड रिस्क इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। हाउ डज हेल्प सेल्फ कॉन्ट्रैक्टिंग हेल्प इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट यूज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द अप्रोचेज यूज फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस। कंपेयर द डू इट सॉल्व फॉर द टर्नकी अप्रोच। What are the problems in bar chart that lead to the evolution of the network? What is the need for the statistical matters for driving single time estimates? What does network analysis help in large complex project? What is the difference between MRP1 and MRP2? Explain the following terms: bill of material, master production schedule, and BOM explosion. Tutorial 6. Internet is a network of a network. Explain what is the need of the protocol used in internet. ये इसमें आपका ये आपका ये टॉपिक आपका सिलेबस में आपको नहीं है, ये ई कॉमर्स से रिलेट करता है। आपको ट्यूटोरियल 6 भी नहीं है, ट्यूटोरियल 7 भी नहीं है, ट्यूटोरियल 8 नहीं है, ट्यूटोरियल 9 आपको है। हाउ इंपॉर्टेंस इज डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी। वाट आर द टेक्निक्स यूज फॉर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट मैनेजर। Explain the importance of the schedule development in the project planning. Discuss the procedure for awarding contracts. On the what basis the selection of the vendor is made. Discuss the type of the contract used in the practice. Enlist the advantage of the boot project. Enlist the performance indicators used in the project management. How can the performance can be improved in the project management? Discuss the various factors involved in the project in future. है ना? और ये भी क्वेश्चन आपके पार्ट सीपीएम से रिलेटेड है, ये आपको सिलेबस में है। इनलिस्ट द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट सक्सेस एंड फेल्योर। व्हाट इज द डिफरेंस इन नेटवर्क कनेक्शन एओएन एंड एओए। एक्टिविटी ऑन नोट नेटवर्क, एक्टिविटी ऑन एरो। एक्सप्लेन द टर्म फ्लॉट, टोटल फ्लॉट, फ्री फ्लॉट, इंडिपेंडेंट फ्लॉट, इवेंट सिलेक्ट। What purpose is served by including the dummy activity in network program? Explain CPM technique and its importance in the network. Explain CPM technique and its importance in the network analysis. What are the requirement for applications of the PUT techniques? Illustrate with example the essential difference between the PUT and CPM techniques. Under what condition would you use PUT instead of the CPM in the project management? What are the inputs and outputs of the MRP? Explain what is capacity requirement planning? What is the business process replanning? है ना? ये आपको सिलेबस में था और ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ये मैंने क्लास में आपको नोट आपको दिया हुआ है, प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आपको डिफिनेशन है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट के डिफिनेशन है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है, तब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिफिनेशन है, देन प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, then project objectives and functions, then project classification, types of the classification of the project, kitne tarah ke project hote hain, project management phases, kaun kaun se project management phases hain, stages hain aapke, identification of the project idea, preliminary selection, feasibility study, evaluation and decision making, initial project planning, scheduling, designing and engineering, contracting and procurement,
थैंक।